Assalamualaikum, my name is Roshni Rauf and welcome to my channel। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड आउट करेंगे। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज। हमें सीक्वेंस प्रोवाइड किया गया है और बोला गया है कि A7 इंडिकेटेड टर्म का मतलब है A7 फाइंड आउट करें। पहले क्या किया गया था, हमें nth टर्म देकर बोला गया था कि पहली 4 वैल्यूज निकालें। अब पहली 4 वैल्यूज दी गई हैं और बोला गया A7 निकालें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये हमारा सीक्वेंस जो है इसकी वैल्यूज का आपस में रिलेशनशिप क्या है। मतलब कि अगर A1 है हमारे पास 2 तो A2 बेसिकली बना किस तरह से है। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम A1 मतलब कि 2 के अंदर प्लस करवाएंगे 4 तभी 6 आएगा। 2 + 4 = 6। इसी तरह से अगर A3 की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, A2 मतलब कि 6 + 5, यहाँ पर लिख लेते हैं 6 + 5 = 11, तभी हमारे पास 11 आएगा। इसी तरह से अगर A4 की बात की जाए तो ये क्या होगा हमारे पास, A3 + 6, A3 है 11 एंड 11 + 6 = 17। सो बेसिकली हमारे पास रिलेशनशिप क्या बन रहा है, हम 4, 5, 6 यानी कि नेक्स्ट वैल्यू जो हम ऐड करवाएंगे वो बेसिकली होगी हमारे पास 7 बिकॉज 4, 5, 6 के बाद तो 7 ही आएगा। सो हम क्या करते हैं, A5 = A1, A2, A3 नेक्स्ट आएगा A4 और 6 के बाद नेक्स्ट आएगा 7। सो हम A4 के अंदर 7 को प्लस करवाएंगे। A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 17 एंड 17 + 7 = 24। क्लियर। नेक्स्ट निकाल लेते हैं A6। A6 में है हमारे पास फॉर्मूला A5 + 8 बिकॉज 7 के बाद 8 ही आता है। सो A5 की वैल्यू पुट करेंगे। A5 की वैल्यू है 24 एंड 24 + 8 = 32। नेक्स्ट निकालेंगे A7 जो कि हमारी इंडिकेटेड टर्म है, हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करने के लिए दी गई है। सो हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। A6 8 के बाद ऑटोमेटिकली हम 9 ऐड करवाएंगे। सो A6 की वैल्यू लिख लेते हैं। A6 की वैल्यू है 32 + 9। 32 में जब 9 प्लस किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 41। सो जो हमारी इंडिकेटेड टर्म थी मतलब कि A7 उसका आंसर हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2 सीक्वेंस है 1, 3, 12, 60 और फाइंड आउट हमें वैल्यू करनी है A6। सबसे पहले तो इस सीक्वेंस को हम जज करेंगे। ये बेसिकली ये बना कैसे है, एडिशन के ऑपरेशन पर बना है या मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन पर बना है। सीक्वेंसेस जो है वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के अलावा भी बहुत से ऑपरेशन पर बनते हैं लेकिन बेसिक ये 2 ऑपरेशन है। आप सबसे पहले इन 2 ऑपरेशन को चेक करते हैं। सो हम चेक कर लेते हैं। अगर 1 + 2 करें तो 3 आता है, ठीक है। अगर 3 में हम 9 ऐड करें तब 12 आता है। 12 में हम 48 ऐड करें तब 60 आता है। यानी कि कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, बेसिकली इनके दरमियान एक जैसी कोई चीज़ नहीं है अगर हम एडिशन करें। अब आ जाते हैं हम मल्टीप्लीकेशन की तरफ। सो हम देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 को मल्टीप्लाई किया जाए 3 से, 1 × 3 = 3, फिर 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 × 4 = 12 एंड 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 × 5 = 60। सो यहाँ पर हमें सीक्वेंस नज़र आ रहा है किस तरह से कि हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। स्टार्ट करेंगे 3 से, नेक्स्ट होगा 4, उससे नेक्स्ट 5 एंड ऑटोमेटिकली 5 से नेक्स्ट आएगा हमारे पास 6। सो A1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1। अब अगर A1 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 के साथ यानी कि 1, 3 = 3 तो हमारे पास A2 आ जाएगा। उसके बाद अगर हमें A3 निकाल है तो हम क्या करेंगे, A2 × 4। अब A2 की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड 3 × 4 = 12। उसके बाद हम निकालेंगे A4 किस तरह से निकलेगा, A3 × 5 क्योंकि 3, 4 उसके बाद क्या आएगा 5 एंड A3 की वैल्यू थी हमारे पास 12 एंड 12 × 5 = 60। उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है A5। सो A5 किस तरह से निकलेगा, A4 × 6 3, 4, 5, 6 एंड A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 एंड 60 × 6 क्या आ जाएगा 360। जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वो थी A6। तो हम A6 लिख लेते हैं। A5 × 7 3, 4, 5, 6, 7 एंड A5 की वैल्यू है हमारे पास 360 एंड 367 मतलब कि 360 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2520। सो ये होगी हमारी वो इंडिकेटेड टर्म जो हमें फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर थ्री। पार्ट नंबर थ्री में जो सीक्वेंस हमें दिया गया है ये बेसिकली फ्रैक्शंस का सीक्वेंस है। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास वन, सो हम वन को भी एज फ्रैक्शन ही लिख लेते हैं, यानी कि 1/1। 1/1 का मतलब है बेसिकली 1 ही है, 1 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। अब देख लेते हैं कि हमारे पास न्यूमिरेटर की वैल्यूज़ में और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ में जो बेसिक कनेक्शन है या रिलेशनशिप है वो कौन सा है। 1 से अगर हमें 3 में कन्वर्ट करनी है वैल्यू को, तो हम 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 + 2 करेंगे तो 5, 5 + 2 करेंगे तो 7। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो न्यूमिरेटर का कनेक्शन है आपस में वो ये है कि आप हर अगली वैल्यू में 2 ऐड करते जाएं, नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट टर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसी तरह से अगर डिनोमिनेटर की बात की जाए तो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं 1, 2s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। इसका मतलब ये हुआ डिनोमिनेटर में जो रिलेशनशिप चल रहा है वो मल्टीप्लीकेशन का है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, A1 के बाद A2 निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे, 1 + 2 और डिनोमिनेटर में 1 × 2। सो 1 + 2 is 3 एंड 1 2s are 2। नेक्स्ट टर्म 3/2 ही थी, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट किया वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट निकाल लेते हैं A3। किस तरह से निकालेंगे, न्यूमिरेटर के लिए क्या करेंगे 3 + 2 और डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे 2 × 2। ऊपर हम करेंगे 2 को प्लस और नीचे करेंगे 2 को मल्टीप्लाई। सो 3 + 2 is equals to 5 एंड 2 2s are 4। नेक्स्ट निकाल लेते हैं A4। सो A4 की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, 5 + 2 और ओवर में आएगा 4 × 2। सो 5 + 2 is 7 एंड 4 2s are 8। सो 7/8। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है A5 के लिए वैल्यू को। सो हम क्या करेंगे 7 + 2 और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 8 × 2। 7 + 2 is 9 एंड 8 2s are 16। नेक्स्ट कर लेते हैं A6। A6 किस तरह से करेंगे, 9 + 2 over 16 × 2। 9 + 2 is 11 and 16 2s are 32। क्लियर। नेक्स्ट निकाल लेते हैं A7 और यही वो इंडिकेटेड टर्म है जो हमें फाइंड आउट करनी है। सो हम लिख लेते हैं 11 + 2, क्योंकि न्यूमिनेटर में हम +2 करते हैं और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 2। सो 32 × 2। 11 + 2 आंसर इज 13 एंड 32 2s are 64। सो इंडिकेटेड टर्म हमारी फाइंड आउट हो चुकी है। अब करते हैं अपना पार्ट नंबर 4 स्टार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। ये बात याद रखिएगा कि पार्ट नंबर 4 पिछले सभी पार्ट से डिफरेंट है और इसी तरह पार्ट नंबर 5 भी। 4 और 5 दोनों सेम हैं। सो स्टार्ट करते हैं, अच्छी तरह से समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। सो देख लेते हैं सीक्वेंस बेसिकली हमारे पास बन किस तरह से रहा है। पहली वैल्यू है 1, दूसरी भी 1 है, उसके बाद -3, फिर 5, फिर -7, फिर 9। अगर देखा है तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि पहली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। सो बेसिकली ये जो सीक्वेंस है हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा। एक होगा कि अगर हमारी जो टर्म्स हैं वो ओड हैं और दूसरा होगा कि अगर हमारी टर्म्स जो हैं वो इवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ओड के लिए लिख लेते हैं। टर्म्स का मतलब है कि अगर हम A1 ले रहे हैं तो वो ओड में आएगा, A2 ले रहे हैं तो वो इवन में आएगा। A1 है हमारे पास 1, इसी तरह से इवन के लिए लिख लेते हैं। A2 है हमारे पास 1, ठीक है। अब ओड टर्म यानी कि A1 थी, A2 हमने दोबारा लिख ली। अब निकालनी है हमें A3। अब A3 किस तरह से निकलेगी, A1 के सीक्वेंस के थ्रू निकलेगी। किस तरह से, अब -3 अगर हमें निकालना है, हमारे पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 1। सो 1 में से हम क्या ऐसा करें कि हमारे पास आंसर आए -3। सो हम 1 में से माइनस करेंगे 4, बिकॉज 1 - 4 is equals to -3। क्लियर। इसके बाद हम निकाल लेते हैं A4। सो A4 क्या है वैल्यू हमारे पास, 1 2 3 4। A4 की वैल्यू है 5, हम इधर 5 लिख लेते हैं। A2 की वैल्यू क्या है 1। अब 1 में ऐसा क्या ऐड करवाया जाए जो हमारे पास 5 आए, तो वो क्या होगा 1 + 4 is equals to 5। नेक्स्ट आ गया हमारे पास A5। A5 हमें निकालना है A3 के टर्म से, ये याद रखिएगा। सो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले तो A3 लिख लेते हैं। A5 हमारे पास है क्या, 1 2 3 4 एंड 5। 5 पे है हमारे पास -7 और A3 की वैल्यू क्या थी, A3 की वैल्यू थी -3, ठीक है। अब -3 में ऐसा क्या माइनस या ऐड किया जाए जो आंसर हमारे पास आए -7। सो हम अच्छी तरह से जानते हैं -3 - 4 आंसर इज -7। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, A4 के बाद A5 हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट निकालना है A6 और निकालना किसकी मदद से है, A4 की मदद से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A4 और A6 की वैल्यू है हमारे पास 9। A4 था 5, 5 में ऐसा क्या ऐड करवाया जाए जो हमारे पास आ जाए 9, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं 5 + 4 is equals to 9. सो अब नेक्स्ट है हमारे पास A7. A6 तक हम निकाल चुके हैं, अब नेक्स्ट A7 निकालना है जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है. सो हम क्या करेंगे, A1 पुट किया था A3, अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर पुट करेंगे A5. ठीक है, यहाँ पर भी -4 था, यहाँ पर भी -4 था, ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी -4 ही आएगा. A5 की वैल्यू है हमारे पास -7, -4, -7, -4 इज इक्वल टू -11. इसी तरह से जब A8 निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी A6 +4. क्यों? क्योंकि अभी तक हम ऊपर से +4 ही करते आ रहे हैं. सो A6 की वैल्यू है 9 एंड 9 + 4 इज इक्वल टू 13. सो A8 जो कि रिक्वायर्ड टर्म थी हमारे पास वो निकल चुकी है, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 13. नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. ये पार्ट भी सेम टू सेम पार्ट नंबर 4 की तरह है, बस डिफरेंस ये है कि पहले हमारे पास जो वैल्यूज प्रोवाइडेड थी ओड नंबर्स के लिए उनका आंसर आ रहा था हमारे पास नेगेटिव, और इवन जो टर्म्स थी उनका आंसर आ रहा था पॉजिटिव. यहाँ पर ओड के लिए पॉजिटिव आंसर आएगा आपके पास और इवन के लिए नेगेटिव आंसर आएगा. सेम टू सेम प्रीवियस मेथड यूज करेंगे. सबसे पहले ओड टर्म्स लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं इवन टर्म्स. ओड टर्म्स में हमारे पास आएगा A1 जो कि है 1, इवन टर्म्स में आएगा हमारे पास A2 जो कि है -3. उसके बाद निकालना है हमें A3 किसके सहारे निकाला जाएगा, जाहिर सी बात है A1 की बेसिस पे. सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले A1. A3 की वैल्यू है हमारे पास 5, A1 की वैल्यू है 1 में ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करवाई जाएगी कि 5 आएगा, तो हम जानते हैं 1 + 4 इज इक्वल टू 5. इसी तरह से अगर हमें निकालना है A5 तो हम क्या करेंगे, A3 + 4. A3 थी हमारे पास 5, 5 + 4 इज इक्वल टू 9. सो हम जानते हैं A5 की वैल्यू 9 ही थी. इसके बाद हम नेक्स्ट और टर्म निकालेंगे जो कि होगी A7. तो क्या करेंगे, A5 + 4 किस तरह से 9 + 4 आंसर इज 13. सो हमारे पास क्या आ जाएगा A7. 4 इसमें ऐड करवाने की रीज़न यह है कि पहली दोनों वैल्यूज़ में हमने 4 ही ऐड करवाया था. सो सीक्वेंस के रूल के मुताबिक हम इसमें भी 4 ही ऐड करवाएंगे. नेक्स्ट आ गई अब इवन नंबर्स की वैल्यू. सो हम निकालते हैं A4. A4 की वैल्यू है हमारे पास -7. सो यहाँ पर लिख लेते हैं -7. A2 क्या है हमारे पास -3. अब -3 में ऐसा क्या माइनस करवाएंगे कि -7 आएगा, तो हम जानते हैं -4. -3, -4, -7. नेक्स्ट है हमारे पास A6. A6 में को किसके बेसिस पर निकाला जाएगा, A4 की बेसिस पर, और A6 की वैल्यू क्या है हमारे पास -11. सो हम क्या करेंगे, A4 की वैल्यू लिख लेते हैं जो क्या है -7. -7 -4 इज इक्वल टू -11. ठीक है. इसके बाद जब हम A8 निकालेंगे तो बेसिकली A8 किस तरह से निकाला जाएगा, A6 -4. इसकी रीज़न ये है कि सीक्वेंस के रूल के मुताबिक अगर पहली दो वैल्यूज़ -4 करने पर आई हैं तो नेक्स्ट वैल्यू भी -4 करने पर ही आएगी. सो A6 की जगह लिखते हैं -11 -4. -11 -4 इज इक्वल टू -15. सो रिक्वायर्ड टर्म जो थी हमारी, इंडिकेटेड टर्म जो थी वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि है A8 इज इक्वल टू -15. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया. अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.